लुवर हॉस्पिटल में एक 3.5 साल का बच्चा सैयद खाजा, जो जिनके नाना मुसाबली में रहते, उन्होंने फ़ोन करके तला करके बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की। बच्चा सीरियस हो गया है, तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा, बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं। पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रहे, रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बग़ैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बाड़ी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है, वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा। सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया, ये लोगों का बयान है। लेकिन ये वाकई कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है। लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम अज़ कम वो मरीज़ों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे, कुछ तो हमदर्दी करना। उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनके भी अल्लाह के अजाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट हैं और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है डॉक्टरों की लापरवाही, और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने के आवश्यक डॉक्टरों की, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीज़ों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीबे मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रेंट का इतला आई और DMO मैडम इतला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से, और दूसरे लोग आए उसके ताल्लुक से क्या कार्रवाई करना है। मलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बच्चे की, मासूम बच्चे की जो जान रायगा गई है, उसके खिलाफ हम तहकीकात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जो भी कसूरवार है उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि आइंदा कोई गरीबों के साथ ऐसा इनका रवैया नहीं होना चाहिए। इन सफर हॉस्पिटल को बच्चे को सांस की वजह से ले लेके आए थे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहाँ के डॉक्टर्स जो है सो, तो हमारे पास 300 मरीज़ है, 300 मरीज़ में से वेंटिलेटर गवर्नमेंट के पास नीलोफर हॉस्पिटल में 3 ही हैं। अगर आपके पास अगर कहीं सहूलत हो सकती है, आप किधर से भी कोशिश कर सकते हो तो मज़ीद वेंटिलेटर हमारे पास सहूलत करा दिए तो हम बच्चे को कोशिश करें। नहीं मिला, नहीं मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो इस वजह से हम CT स्कैन कराने के लिए जो है सो भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। वो भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके CT स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे, उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे वो डायग्नोसिस में जो CT स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, तो वो लोग के पास नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे का हार्ट रुक गया था। तो उसके बाद कोशिश करके हॉस्पिटल में वापस लेके आके वेंटिलेटर लगाए हैं। लगाने के बाद बच्चे के वालिद जाके सुपरिटेंडेंट से जो है सो कंप्लेन किए हैं। विद इन 1 आवर को जो है सो इनको मॉनिटर करते हैं हम लोग स्पेशली, और वो बच्चे के ऊपर एक्शन लेते बोले हैं। लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनके नेगलेंस की वजह से उनका इनकन्वीनियंस इतना था कि वो लोग बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं दिए। इन लोग उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे आके बार बार कर रहे हमारा बच्चा नीला पड़ जा रहा है, बच्चा घट हो रहा है। तो उस टाइम पे वो लोग अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, और ये लोग इनको बार बार बोल रहे हैं बच्चा अभी अलाइव है या नहीं। तो उसी टाइम पे भी जो है सो हम ट्राई कर रहे हैं, 15 मिनट्स के बाद बोलते हैं, 5 मिनट्स के बाद बोलते हैं, बोल के नेगलेंस करें, लास्ट में पूरा ड्रामा क्रिएट करके लास्ट में बोले बच्चे को अभी सांस नहीं चल रही है, उसका हार्ट रुक गया है, उसका डेथ हो गया भाई।
तीन दिन हो रहा है, 27th के दिन लाए हैं, तीन दिन हो रहा है। बच्चे का नाम है खाजा, उसके वालिद साहब का नाम शेख आजम है। बच्चे की उम्र रहती 3 साल। तो सांस के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल स्वामिया में एडमिट कर रहे थे। वो बच्चा जो उसका वालिद है ऑटो चलाता है, उसके पास उतने पैसे नहीं रहने की वजह से नीलोफर को रेफर करे। नीलोफर नहीं होना है कि ये जितने भी गरीब लोग हैं उसके लिए नीलोफर हॉस्पिटल रहता है। तो पूरे नीलोफर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हमेशा जो है सो न्यूज़ वगैरह में हर जगह ये डालती है, हम इतने 300 करोड़ लगाए, 400 करोड़ लगाए, हम इतने वेंटिलेटर्स डाले। तो ये लोग डॉक्टर्स खुद जो है सो 3 वेंटिलेटर बोल रहे हैं टोटल जितने भी पेशेंट्स हैं लोग के पास। इसी तरीके से रहा तो या तो गवर्नमेंट झूठ बोल रही है या यहाँ का मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। तो ये जितने भी गरीब आवाम है उन लोग का कैसा होना, ऐसा ये जितना भरोसे से जो हॉस्पिटल के ऊपर आ रहे हैं उसका ट्रीटमेंट चाहिए। ये बच्चे के साथ जितना नाइंसाफी हुई है वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना है। गवर्नमेंट भी एक्शन लेना है, पुलिस भी एक्शन लेना है। ये आपके मीडिया के थ्रू हम जो है सो डिमांड कर रहे हैं।